नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में, और आज हम आपको बता दें यहाँ पे हिमाचल सरकार में सबसे युवा मंत्री हम कह सकते हैं जोगिंद्रनगर में आपके बिल्कुल बीच में है। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, और जोगिंद्रनगर में जिस तरह से आज विक्रमादित्य ठाकुर जी हमारे बीच में हैं जो कि PWD मंत्री हैं, आए हुए हैं जोगिंद्रनगर में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपका ये दौरा है जोगिंद्रनगर का, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है विशेषकर जोगिंद्रनगर के लिए? जोगिंद्रनगर को आगे ले जाने के लिए, यहाँ के विकास के लिए हम अपना पूरा योगदान पूरे प्रदेश की तरह इस क्षेत्र में भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं, आज ही अभी मैंने जो हमारे माननीय अधिकारी है मेरे डिपार्टमेंट के, उनके साथ बैठकर यहाँ के जो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उसकी मैंने जो है जायज़ा लिया है, और अच्छा है। आपकी जो प्रधानमंत्री PMJSY 1 और 2 के सारे कार्य इस ब्लॉक में पूरे हो चुके हैं, और तीसरे चरण की अभी एक सड़क का कार्य यहाँ पे शुरू हुआ है। बाकी अभी जो उसकी Batch 2 है उसका कार्य बहुत जल्द शुरू होगा, जिसमें करीबन 4-5 सड़कें इस इलाके को मिलेगी, और यहाँ के जो अपग्रेडेशन है उसका कार्य चलेगा। इसके साथ साथ जो हमारी कई यहाँ पे कई सड़कें हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए भी मैंने जो हमारे SC है और XCN है उनको निर्देश दिए हैं कि उस पर चाहे पॉटहोल्स है, गड्ढे हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। आजकल मेटलिंग टायरिंग का काम पूरे प्रदेश में चला हुआ है, यहाँ पर भी अलग अलग सड़कों पर जो है वो चला हुआ है, उस पर भी गति दी जाए ताकि उस पर भी मजबूती के साथ काम किया जाए। और भी जो यहाँ पे बिल्डिंग्स के काम चल रहे हैं उसका भी मैंने अभी रिव्यू किया है। एक आपकी यहाँ कंबाइंड ऑफिस है, मिनी सेक्रेटेरिएट, उसका काम भी लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 2 कॉलेजेस का कार्य चला हुआ है, ITI का कार्य चला हुआ है, जो लगभग पूरे हैं। तो इसको भी हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है इसके लिए जो अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है वो लेंगे, ताकि जल्द ये बजट भवन बनकर तैयार हो, और जिन जिन पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं, चाहे ITI है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, तो उसका फ़ायदा जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिल सके, तो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी आज तो क्योंकि हमारा धर्मशाला का OPS का जो आभार रैली रखी है उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए और सरकार के लिए, उसके लिए आ रहे हैं, मगर मैं आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ का विस्तृत दौरा भी करूँगा, और यहाँ का जो दूसरा छोर है लड़बड़ोल का, वहाँ पर भी जाऊँगा, और जो कार्य चल रहे हैं उनको धरातल पे देखने के लिए लोगों के बीच भी उपस्थित होंगे, जो जन समस्याएं वो भी सुनेंगे, और पूरा योगदान हम सरकार की ओर से यहाँ पे विकास कार्यों में देंगे। जी सर, जिस तरह से अगर बताना चाहें CRF की तरफ से आपने 500 करोड़ रुपए जो है हिमाचल के लिए लाए हैं, और NABARD की बात करें तो 102 करोड़ रुपये आप लेके आए हैं। आप बताना चाहेंगे जिस तरह से अभी मंडी पठानकोट हाईवे है इसकी हालत काफ़ी दयनीय है, और स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो जोगिंद्रनगर से जो सरका घाट घुमारमी है उसकी हालत भी काफ़ी दयनीय है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे सर, जिस तरह से सबसे प्रमुख रोड है एजू बसाही 25 किलोमीटर रोड है, इस रोड की भी हालत जो है कुछ ठीक नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसका? देखिए, मंडी पठानकोट तो जो है अब 4 लेनिंग के अंतर्गत आने वाला है, या आ चुका है, है ना। अब उसकी जो मेंटेनेंस है वो NHAI के माध्यम से होगी, तो उसमें हालांकि जो डिपॉजिट है कुछ एरियाज़ में वो नेशनल हाईवे को आएगा जो हमारे अंतर्गत है, मगर अधिकतर कार्य इसका लैंड एक्विजिशन के बाद, क्योंकि इसमें 4 लेनिंग का काम अब शुरू होना है आने वाले समय में, तो वो करवाया जाएगा। उसके लिए हम NHAI के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि अच्छा काम हो, जल्दी हो, और उसमें क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा समस्याएं ना मिले। बाकी जो आपने बजट लाने की बात करी है, तो हम अभी भी लाए हैं, आगे भी लेकर आएंगे। अभी मैंने 2 दिन के बाद दिल्ली जाना है, और गडकरी जी से फिर से हमारी मुलाकात है 1 तारीख को, तो यहाँ के जितने भी मसले हैं सड़कों से संबंधित खास करके, हम उसको उठाएंगे और उसे जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो 4 लेनिंग हो रही है उसके लिए भी हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, हम तो दलगत राजनीति से ऊपर काम करते हैं, अगर उसमें केंद्र सरकार का सहयोग मिला है तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि हम उसको छिपाएंगे, या हम उनमें से नहीं हैं जो टनल के सामने जाके फ़ोटो लेंगे, है ना। आजकल नेता प्रतिपक्ष हर जगह जाकर फ़ोटो खींचवाने का दौर जारी है, 5 साल तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं हैं। हम जहाँ पर हमने समर्थन करना है केंद्र सरकार का हम करेंगे, जहाँ से उनके सहयोग की आवश्यकता है वो भी करेंगे, मगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
प्रदेश में अपना पूर्ण सहयोग यहाँ के विकास कार्यों के लिए देंगे। सर एक आखिर में छोटा सा सवाल हमारी ओर से, जिस तरह से आपने बात की जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनकी तारीफ आप करते रहते हैं और जिस तरह से वो जायज़ भी है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपने अप्रिसिएट उनको किया। सर दूसरी बात कहना चाहेंगे, हिमाचल में भी बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है या हम कहें जो लोग हैं वो भी आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप जो है कहीं बीजेपी की तरफ रोक करें अपना? देखिए ऐसा है, मैं काम की तारीफ़ करता हूँ, मैं नितिन गडकरी जी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके कार्य की तारीफ़ कर रहा हूँ और कार्य की तारीफ़ होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी सोच का हो, कोई भी पार्टी का हो, तो हम उसी सोच से संबंध रखते हैं। बाकी हम कांग्रेस परिवार में थे, है और जिंदगी भर तक कांग्रेस में ही रहेंगे, इसकी चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। पर्यटन के लिए अपार संभावना है जोगिंदरनगर से, क्योंकि जिस तरह से कांगड़ा की बात करें तो पर्यटन उसको राजधानी घोषित किया है, तो काफ़ी जोगिंदरनगर के लिए भी ये प्रभाव पड़ने वाला है। कई लोगों की मांग है, इंटीरियर इलाके ऐसे हैं जहाँ तक आज तक सड़कें नहीं बनी है, अगर रोड को यहाँ से टच करने की बात करें, काफ़ी ऐसे एरिया हैं जहाँ अभी रोड नहीं है, उसके बारे में कितने लोग आप से उम्मीद यहाँ पे लगाइए, क्योंकि आप एक युवा हैं और आप जो एनर्जी हमने देखी, आपने रात को भी 11-12 बजे तक लोगों से काम जो है आपने किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से पर्यटन को विकसित करना बहुत आवश्यक है और उससे एक तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर होगी और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार के अच्छे साधन मिलेंगे और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होगा। इस दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने खास करके जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है और बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो पैराग्लाइडिंग के है, चाहे गोल्फ कोर्स का है, चाहे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 2,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, हर चीज़ पे कार्य हो रहा है और ये पूरा इलाका जोगिंद्रनगर से लेकर आगे आपका जो बीर बिलिंग है और पालमपुर तक, ये इलाका बहुत विकसित आने वाले समय में होगा। अभी भी पालमपुर क्षेत्र बहुत विकसित है, बहुत टूरिस्ट यहाँ आता है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। जो आपकी बरोट वैली है, वहाँ पर जो आपकी फिशिंग होती है, बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं, अभी आने वाले समय में वहाँ से आपकी जो भूभू जोत टनल है उसका प्रपोजल भी हम बनवा रहे हैं, उसकी DPR भी बनवा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यहाँ से सीधे जो है वो आपकी टनल लग वैली को जो है वो कुल्लू में कनेक्ट करेगा और ये पूरा इलाका अंदर से जुड़ जाएगा, तो वो भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है, वो क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें केंद्र सरकार का हम सहयोग पड़ेगा, पर इसको हम एक्सपेडाइट करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जो बरोट वैली का इलाका है वो भी पूरा डेवलप आने वाले समय में हो। जी सर, जिस तरह से अब 2024 में यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, कितनी तैयारियाँ रहने वाली है कांग्रेस की ओर से और कितने हम ये कहें कि जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है, ठीक है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, तो वो तो हर पार्टी में होता है, भाजपा में भी ऐसा है, कांग्रेस में भी ऐसा है, मगर प्रदेश में लोगों ने हमको अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और सरकार बनाई है, हमारा दायित्व है कि हम मिलकर आगे चले। जहाँ तक चुनावों की बात है, लोकसभा चुनावों की बात है, उसके लिए हम पूरी तरीके से मजबूती से कार्य करेंगे। अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से माहौल आज देश में भाजपा सरकार के खिलाफ है, किस तरीके से अभी जो दक्षिण भारत में कर्नाटका में चुनाव हुए वहाँ पे भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और हिमाचल में हुआ उसके पहले, तो ये बदलाव की परिस्थितियाँ आज पूरे देश के अंदर पनप रही है। जितने ऑपोजिशन पार्टीज़ है आज सारी एक मंच पर आकर जो केंद्र सरकार की तानाशाह नीतियाँ हैं उसका पुनर्विरोध किया जा रहा है। आज के दिन ही हमारा जो नया संसद भवन दिल्ली के अंदर बना है, अच्छी बात है बना है, मगर उसमें किस तरीके से जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए सारी विपक्ष इस बारी उसमें नहीं जा रहा है। ये एक संकेत है कि आने वाले समय में सारा विपक्ष जो है मिलकर लड़ाई लड़ेगा और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है पूरे देश के अंदर, तो वो एक अहम भूमिका निभाएगी और सबको जोड़ने का कार्य आने वाले समय में करेगी। सर आखिरी में कोई मैसेज हमारे माध्यम से देश प्रदेश की जनता को देना चाहिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा जोगिंद्रनगर की प्रभु जनता को और जो भी आपके और व्यूवर्स है कि हम आपके साथ मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, हमने जो भी बातें कही हैं वो हमारे लिए जो है वो हमारे सिद्धांत है
और हमारे हमारा राम हमारा जो है राज्य में उसको पूरा करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, उनको हम पूरा करेंगे। आप अपने सुझाव हमें समय समय पर देते रहें कि हमने किस तरीके से इलाके को आगे ले जाना है। आपकी आवाज़ को भी हम सुनेंगे। हम केवल मन की बात करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता की आवाज़ को कि मन की बात को सुनने में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। तो मिलकर आगे बढ़ेंगे। समस्याएँ हैं प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति। पड़ी है।